अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज साबिर खान, लेक्चरर इन पॉलिटिकल साइंस। तो दोस्तों, पिछले लेक्चर में हमने पॉलिटिकल साइंस के जो पेपर्स थे कम्पिटिटिव एग्जाम्स के हवाले से, यानी CCS और PMS के हवाले से, हमने उसको तफसीली, उसके स्ट्रक्चर को भी और उसके कंटेंट्स को हमने डिस्कस किया था। और अगर आप लोग उसको चेक करना चाहते हैं तो उसका जो लिंक है वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है। तो इसके बाद हम चलते हैं प्रॉपरली, हम पॉलिटिकल साइंस को डिस्कस करते हैं। तो पॉलिटिकल साइंस जो है, ये जो टर्म है, इसको हमने डिकंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा, तो फिर ये बहुत ही आसान हो जाएगा पॉलिटिकल साइंस के, पॉलिटिकल साइंस है क्या। सो पॉलिटिकल साइंस का जो टर्म है वो बेसिकली टू वर्ड्स पर मुश्तमिल है, एक है साइंस और दूसरा है पॉलिटिकल। जैसे कि अक्सर हमारे जो स्टूडेंट्स होते हैं वो समझते हैं कि साइंस एक सब्जेक्ट है, लेकिन साइंस बजाते खुद कोई सब्जेक्ट नहीं है। इट्स अ वे ऑफ स्टडी, इट्स अ मेथड ऑफ स्टडी। यानी किसी भी चीज़ को, किसी भी टर्म को अगर हम साइंटिफिक तरीके से उसको स्टडी करें तो उसको हम क्या कहते हैं, साइंस कहते हैं। अब आते हैं पॉलिटिकल वर्ड की तरफ। ये जो पॉलिटिकल वर्ड है ना, दिस इज द डायलेमा, इसको हमने अब तफसील से पढ़ना है कि ये क्या है। पॉलिटिकल का जो वर्ड है वो पॉलिटिक्स से निकला है, कि पॉलिटिक्स क्या है। अब पॉलिटिक्स जो है, ये मॉडर्न दौर में जो हम इसको डिफाइन करते हैं वो ऐसे है कि द ऑनगोइंग कंपटीशन बिटवीन पीपल यूजुअली इन ग्रुप्स टू शेप द पॉलिसी इन देयर फेवर। पॉलिटिक्स जो है वो लोगों के दरमियान एक कंपटीशन है, और कंपटीशन भी ऐसी कि ग्रुप्स की शक्ल में हो। और वो कंपटीशन किस चीज के लिए होती है, कि जो ग्रुप की जो पॉलिसी है वो उनके फेवर में हो, यानी वो जो चाहे ग्रुप की पॉलिसी वही रहे। अब इस चीज के कंपटीशन को हम क्या कहते हैं, पॉलिटिक्स कहते हैं। अब ये ग्रुप्स जो हैं, ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की सूरत में भी हो सकते हैं, ये ग्रुप जो हैं अलायंसेस की सूरत में भी हो सकते हैं, यानी इंटरनेशनल लेवल पर। अब ये विद इन द स्टेट भी हो सकते हैं पॉलिटिकल पार्टीज की शक्ल में। अब ये जो है लोकल लेवल पर भी हो सकते हैं, या इवन एक क्लासरूम में भी ये कंपटीशन हो सकती है। यानी इंटरनेशनल लेवल से लेकर क्लासरूम तक, एक क्लासरूम तक या एक गांव तक ये कंपटीशन लोगों में हो सकती है ग्रुप्स की शक्ल में, कि जो पॉलिसी हो वो उनके फेवर में हो। सेकेंड नंबर पर हम इसकी जो डिफिनेशन करते हैं, कंबिनेशन ऑफ गोल्स एंड पॉलिसीज एंड पावर टू अचीव देम। अब ये पॉलिटिक्स है क्या, इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ गोल्स, यानी आपके कोई या एक ग्रुप के कोई गोल्स होंगे, फिर उन गोल्स को हासिल करने के लिए उनके पास मुख्तलिफ पॉलिसीज होंगे, और उन पॉलिसीज के लिए जो बेस है उसको क्या चाहिए, उसको चाहिए पावर, के पावर से वो इन पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करेंगे, और पॉलिसीज के इम्प्लीमेंटेशन के बाद उनको क्या हासिल होगा, उनको वो गोल्स हासिल हो जाएंगे। सो दिस इज पॉलिटिक्स। तो दोस्तों, हमने पॉलिटिक्स के डिफिनेशन में एक वर्ड पढ़ा, पावर। अब पावर को थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं कि पावर क्या है। अब पावर जो है, पावर इज द प्राइम इंग्रेडिएंट ऑफ पॉलिटिक्स। यानी पॉलिटिक्स के लिए जो प्राइम इंग्रेडिएंट है, या बहुत ही जो जरूरी चीज है पॉलिटिक्स के लिए, वो है पावर। अब पावर होता क्या है पॉलिटिक्स में, पावर इन पॉलिटिक्स इज गेटिंग पीपल टू डू समथिंग दे वुड नॉट अदरवाइज डू। यानी आपके पास ऐसी सलाहियत होनी चाहिए, आपके पास ऐसी ताकत होनी चाहिए कि आप लोगों से वो काम करवाएं जो शायद वो खुद ना करें। यानी आप में ऐसी सलाहियत होनी चाहिए। सो दिस इज पावर इन पॉलिटिक्स। सो इस तनाजुर में अगर हम पॉलिटिकल साइंस को देखें, कि हमने पॉलिटिकल साइंस के टर्म को डिकंस्ट्रक्ट किया, और उसमें हमने पॉलिटिक्स को भी डिफाइन किया, पावर को भी डिफाइन किया, तो इस तनाजुर में अगर हम देखें कि पॉलिटिकल साइंस इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स। सो बेसिकली पॉलिटिकल साइंस है क्या, वो पॉलिटिक्स की साइंटिफिक स्टडी है। तो दोस्तों, डिकंस्ट्रक्शन ऑफ द टर्म पॉलिटिकल साइंस के बाद अब आते हैं इसके फाउंडिंग फादर की तरफ, कि पॉलिटिकल साइंस का फाउंडिंग फादर कौन है। सो द सब्जेक्ट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, इसका जो फाउंडिंग फादर है वो जाना जाता है एरिस्टोटल को। एरिस्टोटल ग्रीक फिलासफर है, इसको जाना जाता है कि ये पॉलिटिकल साइंस का फाउंडिंग फादर है। अब एरिस्टोटल पॉलिटिकल साइंस को किस तरह समझते हैं,
एरिस्टोटल कहते हैं कि पॉलिटिकल साइंस इज द मास्टर साइंस, यानी तमाम साइंसेस से सबसे बड़ा साइंस जो है वो पॉलिटिकल साइंस है। और वो क्यों इसको मास्टर साइंस कहते हैं, वो इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पॉलिटिक्स इसको मास्टर साइंस समझते हैं। अब इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पॉलिटिक्स का क्या मतलब है कि पॉलिटिक्स का जो वर्ड है वो डिराइव हुआ है एक ग्रीक वर्ड पॉलिस से। और पॉलिस का मतलब क्या है कि उस टाइम में जो सिटी स्टेट्स हुआ करते थे, यानी ग्रीक्स का जो एरिस्टोटल का टाइम है, उस टाइम में जो सिटी स्टेट्स हुआ करते थे उसके जो अफेयर्स होते थे इंटरनल एंड एक्सटर्नल, जितने भी उनके अफेयर्स होते थे वो उसको पॉलिस कहते थे। अब एरिस्टोटल जो है वो इन तमाम एक्सटर्नल और इंटरनल अफेयर्स को समझता है कि इंसान की और स्टेट की जिंदगी पर क्या है असरअंदाज है। तो इस हवाले से इंसान की जिंदगी के हर पहलू पर असरअंदाज है पॉलिटिकल साइंस, तो इसलिए वो इसको मास्टर साइंस समझते हैं। नेक्स्ट इसमें है कि इस टर्म को, पॉलिटिकल साइंस के टर्म को स्पेसिफिकली किसने कॉइन किया। इस टर्म को सबसे पहले कॉइन किया फ्रेंच पॉलिटिकल फिलोसोफर जीन बॉडिन ने। जीन बॉडिन ने इसको कॉइन किया है, इस टर्म को सबसे पहले यूज किया है, और अपने राइटिंग्स में यानी फ्रेंच लैंग्वेज में वो इसको लिखते हैं साइंस पॉलिटिक, यानी पॉलिटिकल साइंस। तो दोस्तों अब आते हैं कि पॉलिटिकल साइंस को हम किन किन कॉन्टेक्स्ट में स्टडी कर सकते हैं। पॉलिटिकल साइंस को बेसिकली हम टू कॉन्टेक्स्ट में स्टडी करते हैं। उसमें नंबर फर्स्ट है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस, यानी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्टेट एंड गवर्नमेंट। और सेकंड नंबर पर हम उसको स्टडी करते हैं इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पावर पॉलिटिक्स। सो सबसे पहले हम देखते हैं पॉलिटिकल साइंस को इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस, यानी जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस हैं वो है स्टेट एंड गवर्नमेंट। तो इस हवाले से हम जो डिफरेंट अथॉरिटीज़ है पॉलिटिकल साइंस की, उनके डिफिनीशंस को हम देखते हैं। डॉक्टर स्टीफन लीकॉक, डॉक्टर स्टीफन लीकॉक कहते हैं कि पॉलिटिकल साइंस डील्स विद गवर्नमेंट। यानी पॉलिटिकल साइंस में हम स्टडी क्या करते हैं, यानी गवर्नमेंट के जितने भी अफेयर्स हैं, चाहे वो विद इन द स्टेट है और चाहे आउटसाइड ऑफ द स्टेट है, यानी दूसरे स्टेट्स के साथ, यानी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, जितने भी आउट ऑफ द स्टेट और इन द स्टेट जितने भी अफेयर्स हैं गवर्नमेंट के, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम पॉलिटिकल साइंस कहते हैं। सेकंड नंबर पर हम जो डिफिनेशन स्टडी करेंगे वो है प्रोफेसर गार्नर की। प्रोफेसर गार्नर कहते हैं पॉलिटिकल साइंस बिगिंस एंड एंड्स विद द स्टेट, यानी पॉलिटिकल साइंस की जो शुरुआत है और खात्मा है वो स्टेट के साथ ही है। यानी उसका मतलब ये है, वही एरिस्टोटल का, कि पॉलिटिकल साइंस में हम स्टेट अफेयर्स स्टडी करते हैं। यानी ये एक पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है और इस पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन के जितने भी अफेयर्स हैं हम उसको किस सब्जेक्ट में कवर करते हैं, उसको हम पॉलिटिकल साइंस में कवर करते हैं। इसके अलावा हम पॉल जॉनेट, पॉल जॉनेट क्या कहते हैं, इट ट्रीट्स द फाउंडेशंस ऑफ स्टेट एंड प्रिंसिपल्स ऑफ गवर्नमेंट। यानी इट ट्रीट्स द फाउंडेशंस ऑफ स्टेट का मतलब ये है कि एक स्टेट क्यों बनता है, कैसे बनता है और स्टेट का काम क्या होता है। ये एक स्टेट के फाउंडेशन को भी हम पॉलिटिकल साइंस में स्टडी करते हैं, और इसके बाद जब स्टेट बन जाता है तो उसकी जो गवर्नमेंट के जो प्रिंसिपल होते हैं उसको जो हम स्टडी करते हैं, उसको हम पॉलिटिकल साइंस में स्टडी करते हैं। यानी पॉलिटिकल साइंस में हम क्या क्या चीज़ें स्टडी करते हैं, गवर्नमेंट और स्टेट के जितने भी अफेयर्स हैं, चाहे वो इंटरनल है या एक्सटर्नल है, उसको हम पॉलिटिकल साइंस कहते हैं। तो दोस्तों अब हम सेकंड कॉन्टेक्स्ट को स्टडी करते हैं, और सेकंड कॉन्टेक्स्ट जो है वो है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पावर पॉलिटिक्स। पावर पॉलिटिक्स को हमने इससे पहले भी डिस्कस किया, तो अभी इसको और भी एलेबोरेट करते हैं। लॉसवेल इस हवाले से कहते हैं, पॉलिटिकल साइंस इज कंसर्न विद क्वेश्चन हु गेट्स व्हाट व्हेन एंड हाउ, यानी कौन कब और कैसे हासिल करता है। अब ये कौन क्या है, इस वर्ड को हमने कौन क्या कब और कैसे हासिल करता है, यानी ये जो हु का वर्ड है इसको हमने एलोबोरेट करना है। अब ये जो हु है ये इंडिविजुअल भी हो सकता है, ये एक ग्रुप भी हो सकता है, ये पॉलिटिकल पार्टी भी हो सकती है, ये स्टेट भी हो सकता है, गवर्नमेंट भी हो सकता है, ये एक अलायंस भी हो सकता है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकता है। तो यानी ये तमाम जो चीज़ें हैं वो क्या हासिल करते हैं, कब हासिल करते हैं और कैसे हासिल करते हैं,
इसको अगर हम साइंटिफिक तरीके से स्टडी करें तो इसको लास्वेल कहता है पॉलिटिकल साइंस। इसके बाद प्रोफेसर कैटलिन जो है वो क्या कहता है, प्रोफेसर कैटलिन कहता है कि द साइंस ऑफ ऑर्गेनाइज्ड पावर इन ऑल कम्युनिकेशंस। अब इन ऑल कम्युनिकेशंस जो है वो क्या है, कम्युनिकेशंस यानी स्टेट का इंडिविजुअल के साथ और इंडिविजुअल का स्टेट के साथ, गवर्नमेंट के साथ या दूसरे इंस्टीट्यूशंस के साथ, या स्टेट का दूसरे स्टेट्स के साथ, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, यानी जितनी भी ये कम्युनिकेशंस हैं इसको अगर हम स्टडी करें, लेकिन कैसे, ऑर्गेनाइज्ड पावर के कॉन्टेक्स्ट में, कि उसमें जो ऑर्गेनाइज्ड पावर है वो क्या काम करता है, इन तमाम चीज़ों को अगर हम साइंटिफिक तरीके से स्टडी करें तो इसको क्या कहते हैं, पॉलिटिकल साइंस कहते हैं। तो जी दोस्तों, हमने इन दोनों कॉन्टेक्स्ट को काफ़ी तफसील से डिस्कस किया, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस एंड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पावर पॉलिटिक्स। अब ये दोनों जो कॉन्टेक्स्ट है ये एक दूसरे के साथ इंटर रिलेटेड है। कैसे इंटर रिलेटेड है, थ्रू पावर, स्टेट एंड गवर्नमेंट। इन दोनों के पास यानी स्टेट और गवर्नमेंट के पास क्या होना चाहिए, पावर होना चाहिए। सो पॉलिटिकल साइंस इन दोनों का मजमुआ है। अब इन दोनों कॉन्टेक्स्ट को अगर हम कंक्लूसिवली हम इसको डिस्कस करें कि कंक्लूसिवली अब पॉलिटिकल साइंस की क्या डिफिनेशन बन सकती है, तो पॉलिटिकल साइंस इज अ सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ स्टेट और गवर्नमेंट विच इज अ पावर स्ट्रक्चर, विच इज अ पावर स्ट्रक्चर, यानी स्टेट और गवर्नमेंट क्या है, वो एक पावर स्ट्रक्चर है। मेकिंग अथॉरिटेटिव डिसीजंस, उसके पास अथॉरिटी होती है और वो अथॉरिटी के जरिए क्या करते हैं, डिसीजंस करते हैं, हर किस्म के डिसीजंस वो लेते हैं। एंड एलोकेटिंग रिसोर्सेज एंड वैल्यूज फॉर इंटरनल सिक्योरिटी डेवलपमेंट एंड एक्सटर्नल डिफेंस, और वो वैल्यूज को भी यानी रूल्स को भी डिफाइन करता है और उन रूल्स के इम्प्लीमेंटेशन के लिए यानी अपनी गोल्स को अचीव करने के लिए वो रिसोर्सिस को भी एलोकेट करता है। स्टेट है या गवर्नमेंट है, पावर के जरिए, अथॉरिटेटिव डिसीजंस के जरिए, इनके जरिए वो क्या करता है, रिसोर्सिस को एलोकेट करता है और वैल्यूज को भी डिफाइन करता है यानी रूल्स को भी डिफाइन करता है कि हमने इंटरनल सिक्योरिटी यानी ऑर्डर ऑफ द स्टेट को, लॉ एंड ऑर्डर को किस तरह मेंटेन रखना है, स्टेट में डेवलपमेंट कैसी लानी है, और इसके बाद एक्सटर्नल डिफेंस और स्टेट को बचाना कैसे है, या स्टेट के दूसरे स्टेट्स के साथ, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ ताल्लुकात कैसे होने चाहिए, ये तमाम चीज़ें किसका काम है, ये काम है गवर्नमेंट का और स्टेट का, और वो ये काम कैसे कर सकते हैं, वो ये काम कर सकते हैं थ्रू पावर। तो ये कंक्लूसिवली डिफिनेशन है पॉलिटिकल साइंस का। तो जी दोस्तों, नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे कि क्या पॉलिटिकल साइंस एक साइंस है या आर्ट है। और अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिए, और अगर आप कोई सजेशन देना चाहते हैं तो कमेंट ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।